गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? गुड, वेरी गुड। आप सबने प्रेयर किए? वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंग्लिश लेक्चर। यस, प्रीवियस लेक्चर में हमने कहां पर एंड किया था? यस, एक्स पे। वेरी गुड। देन आज हमारे ओनली टू अल्फाबेट बाकी है, उसे कंप्लीट करेंगे एंड फुल स्मॉल अल्फाबेट। यस, फुल स्मॉल ए टू जेड हम कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ एडोमैक्स लेवल वन में जो हमारा फर्स्ट पेज है, यस, जो हमारा फर्स्ट पेज है उसकी हम रीडिंग करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। फर्स्ट लिखते हैं टुडेज डेट। ओके, एंड टुडेज डेट इज 2nd July। यस, ओके। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, हमारा मंथ चेंज होने वाला है। यस, कल जीके लेक्चर में यस मंथ चेंज हो गया था, है ना? यस्टरडे चेंज हो गया है, देन आज उसका सेकेंड डे है। ओके, देन हम जुलाई के लिए कौन सा नंबर लिखेंगे? यस, 7। वेरी गुड। चलिए लिखते हैं हमारा टॉपिक स्मॉल अल्फाबेट। स्मॉल अल्फाबेट, जैसे हमेशा मैं आपसे बताती हूँ कि मैं आपके लिए लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, मैं आपके लिए लाइन ड्रॉ करती हूँ, देन हम हमारा जो ए टू जेड है उसे फिनिश करते हैं। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, हमारा हमने एंड किया था एक्स पे। यस, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट अल्फाबेट। यस, वाई। वेरी गुड। वाई, वाई आपको ब्लू लाइन से स्टार्ट करना है। यस, ब्लू लाइन से स्टार्ट करना है। अच्छे से देखिए, ओके, किस तरह से मैं लिख रही हूँ। ओके, चलिए वाई जो ब्लू लाइन है हमारी, फर्स्ट ब्लू लाइन, जैसे हम यू बनाते हैं, स्मॉल यू, इस तरह से हमें बनाना है। ओके, एक सिंगल कर्व, देन राइट साइड से हमें स्टैंडिंग लाइन नीचे रेड लाइन पे टच करनी है और उसे ऐसे कर्व करना है। ओके, स्मॉल वाई। यस, स्मॉल वाई। वाई फॉर, यस, वाई फॉर येलो। यस, येलो कलर जो होता है, यस, वाई फॉर येलो, जैसे टीचर ने पहना है येलो कलर, है ना? ये जो फ्लावर है येलो कलर का है, येलो, वाई फॉर येलो। ओके, देन नेक्स्ट है जेड, स्मॉल जेड, बिल्कुल कैपिटल जेड की तरह होता है। ओके, जैसे हमने यू वी डब्ल्यू एक्स लिखा था ब्लू लाइन में, उसी तरह हमें जेड भी लिखना है ब्लू लाइन में। ओके, सी दिस, स्लिपिंग लाइन, स्लाइंटिंग एंड स्लिपिंग। ओके, ब्लू लाइन में ही हमें जेड को लिखना है। जेड, जेड फॉर, यस, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, यस, जेड फॉर जीरो। एक बार फिर लिखते हैं वाई। ओके, ब्लू लाइन में ही कर्व, देन स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, वाई, वाई फॉर येलो। ओके, अगेन कर्व, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, वाई, वाई फॉर येलो। यस, देन जेड, नेक्स्ट है जेड, स्लिपिंग, स्लाइंटिंग, स्लिपिंग, जेड, जेड फॉर जीरो, स्लिपिंग, स्लाइंटिंग एंड स्लिपिंग, जेड, जेड फॉर जीरो। यस, इसका होमवर्क आपको करना है 2 times। ठीक है, 2 times मीन्स 2 pages आपको फुल पेज होमवर्क लिखना है, वाई एंड जेड। आप अच्छे से इसे कॉपी कीजिए, ठीक है? फिर हम करते हैं फुल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फुल स्मॉल ए टू जेड। यस, स्टार्ट करते हैं ए के
C, small c and small d. Okay. E, blue line में E. Small f. Okay. Small g. Small h. Okay. I, small j. Small k, small l. Okay, and next m, small m, small n. Okay, n, small o, small P, ओके? अच्छे से ध्यान दीजिए मैं कौन सी लाइन यूज कर रही हूं. ओके, एम एन ओ पी. नेक्स्ट क्यू, स्मॉल क्यू, स्मॉल आर, स्मॉल एस, स्मॉल टी. ओके, नेक्स्ट U, small V, small W, small X, okay? And small Y, small Z, okay? Then ये हमारा small A to Z complete हो गया है, okay? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay? Then अच्छे से इसे कॉपी कीजिए. ओके, इसका भी होमवर्क आपको करना है. टू टाइम, यस मींस टू पेज, टू टाइम होमवर्क. ओके, टू टाइम होमवर्क, अच्छे से होमवर्क करना है, नीट एंड क्लीन. ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग. यस, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, जैसे ही हमारा कैपिटल अल्फाबेट एंड स्मॉल अल्फाबेट फिनिश हो जाएगा, हम स्टार्ट करेंगे हमारी वर्कबुक. यस, हमारी वर्कबुक, वर्कबुक, यस, एडमैक्स लेवल वन, एडमैक्स लेवल वन. आप सबके पास है ना ये बुक? वेरी गुड, कम ऑन, ओपन योर बुक एंड रिमूव पेज नंबर फोर. यस, पेज नंबर फोर, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बुक का, वो है लेट्स रीड द अल्फाबेट. यस, लेट्स रीड द अल्फाबेट, हम अल्फाबेट रीड कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स वगैरह रीड कराए हैं, वैसे ही इसमें भी है, लेकिन इसमें साउंड. यस, अब हम जो आगे लर्न करेंगे, सीखेंगे, वो है साउंड. यस, वो सब है साउंड. साउंड मीन्स आवाज, जैसे ए बी सी जब हम बोलते हैं तो साउंड किस तरह का हम यूज करते हैं. यस, हम साउंड किस तरह का यूज करते हैं, कौन सा साउंड हमें सुनाई देता है, अब हम वो सब लर्न करेंगे इस वर्कबुक में. ओके, इसलिए फर्स्ट यहाँ स्टार्ट किया गया है रीडिंग से. यस, फर्स्ट स्टार्ट किया गया है रीडिंग से, तो स्टार्ट करते हैं. यस, Come on, आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए. See this, यहाँ पर दो बॉक्स बने हैं, है ना? फर्स्ट में है द साउंड ऑफ द लेटर, द साउंड ऑफ द लेटर, द नेम ऑफ द
लेटर, द नेम ऑफ द लेटर, यस नेम, जैसे ए तो ए, ए ए, यस इस तरह से उसका साउंड किस तरह से आता है हमें उस पर ध्यान देना है, ओके जैसे फर्स्ट है ए, ए फॉर एप्पल, ए एप्पल, ए का साउंड आ रहा है, यस एप्पल, ए ए ए ए, ए फॉर एप्पल। सेकेंड है बी, बी फॉर बर्ड, बी फॉर बर्ड, बी बर्ड, ओके सी, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, कैट कैट, ये सी सी, सी का साउंड कैसा है, यस डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी डी, ओके लेटर का नाम है डी, यस जो सामने लिखा है वो लेटर्स के नेम है, डी डबल ई डी, यस डी फॉर डॉग, ई, ई फॉर एग, ई फॉर एग, एफ, एफ फॉर फ्रॉग, एफ फॉर फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स, यस फ्रॉग मीन्स मेंढक, यस जी, मैं यहां पर आपको दिखाती हूँ, जी, जी फॉर, यस जी फॉर गोट, जी फॉर गोट, गोट मीन्स बकरी, यस जी फॉर गोट, एच, एच फॉर हाउस, यस हमने लर्न किया है एच फॉर हाउस, हाउस मीन्स घर जिसमें हम रहते हैं, है ना, आई, आई फॉर इंसेक्ट, आई, आई फॉर इंसेक्ट, इंसेक्ट मीन्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें इंसेक्ट कहा जाता है, यस आई फॉर इंसेक्ट, जे, जे, जे फॉर जग, जे फॉर जग, यस जग होता है जिसमें हम वाटर जूस वगैरह रखते हैं, जग, यस देन नेक्स्ट है के, के फॉर काइट, के फॉर काइट, काइट आप सब जानते हैं, यस के फॉर काइट, देन एल, एल, एल फॉर लॉग, एल फॉर लॉग, लॉग जो लकड़ी जो बड़ा सा दर्द होता है उसका जो तना होता है उसको जब कट करते हैं तो जो पीस होता है, ओके जो उसके पीस होते हैं उस एक पीस को कहते हैं लॉग, क्या कहते हैं लॉग, आप आगे वर्कबुक में जब हम लर्न करेंगे तो मैं आपको पिक्चर भी उसका दिखाऊंगी, ओके एल फॉर लॉग, एम, एम, एम फॉर मून, यस एम फॉर मून, मून हमने लर्न किया है, यस मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, राइट यस, एन, एन फॉर नेस्ट, नेस्ट आप सब जानते हैं नेस्ट, यस जो घोंसला होता है ना जो बर्ड्स बनाते हैं उनका जो घर होता है, एन फॉर नेस्ट, ओ, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज फ्रूट्स होता है संतरा, यस यस ओ फॉर ऑरेंज, पी, पी फॉर पिग, पी फॉर पिग, यस पिग का भी पिक्चर आपने देखा होगा जूनियर केजी में, राइट यस पी फॉर पिग, क्यू, क्यू फॉर क्वीन, क्यू, क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, हमने भी लर्न किया है, आपने पिक्चर देखा है क्वीन का, यस रानी को कहते हैं, देन आर, आर फॉर र, आर फॉर रोबोट, आर फॉर रोबोट, रोबोट यस जो मशीन होती है जो काम करती है रोबोट, आपने देखा होगा जैसे आप कार्टून देखते हैं डोरीमोन, है ना वो भी एक रोबोट है, राइट यस आर फॉर रोबोट, एस, एस फॉर सन, एस फॉर सन, टी, टी फॉर टैप, टी फॉर टैप, टैप यस जो नल होता है ना जिसमें से पानी आता है नल जो होते हैं उसे कहते हैं टैप, टी फॉर टैप, देन यू, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आप सबको पता है ना यस,
नेक्स्ट है वी, वी फॉर वॉयलिन, वी फॉर वॉयलिन, यस उसे बजाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है यस जो यूज होता है, वी फॉर वॉयलिन, ओके। डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वेल, डब्ल्यू फॉर वेल, वेल आपने पिक्चर्स में देखा होगा, वेल जो एकदम बड़ी सी फिश होती है, वेल, यस। एक्स, एक्स फॉर बॉक्स, यहाँ एक्स फॉर बॉक्स दिया है, बॉक्स एक्स से स्टार्ट नहीं होता है लेकिन एक्स पे एंड होता है, देन ये जो साउंड है वो एंड में दिया गया है, एक्स का जो साउंड है वो एंड में दिया गया है। हम आगे वर्कबुक में जब और बहुत सारी चीजें लर्न करेंगे तो हम बहुत से साउंड को एंड में भी लर्न करेंगे, ओके। एंड में जब हम सुनते हैं तो हमें साउंड याद होना चाहिए कि एंड का जो वर्ड है वो कौन सा है, वो हमें साउंड सुन के पता चलता है। बॉक्स, बॉक्स स्टार्ट बी से होता है एंड एंड होता है यस एक्स पे, ओके। तो यहाँ लास्ट में एक्स को यूज किया गया है, ठीक है, बॉक्स, ओके। वाई फॉर यो यो, वाई फॉर यो यो, देन लास्ट जेड फॉर सिब्रा, जेड फॉर सिब्रा, यस। अच्छे से आपने रेडी किया है, आपको रीड करना है और ध्यान रखना है, हमारे जो साउंड्स है उनके ऊपर ध्यान देना है, ओके। जैसे हमने बॉक्स के लिए मैंने आपको बताया जो हमने एंडिंग साउंड पढ़ा है ना, एक्स का हमने साउंड एंड में पढ़ा है, उस तरह हम नई नई चीजें और लर्न करेंगे, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे जो हमारी वर्कबुक में स्टार्ट है सेकेंड हमारा जो पॉइंट है यस वो हम लर्न करेंगे, ठीक है। अच्छे से होमवर्क करना है, एक्स वाई सॉरी वाई और जेड जो हमने लिखा है उसका भी टू पेज होमवर्क करना है एंड फुल ए टू जेड का भी आपको टू पेज होमवर्क करना है, ओके। नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है अच्छे से, और मैं बार बार कह रही हूँ कैपिटल एंड स्मॉल दोनों अल्फाबेट आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।